over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस ब्लॉग। फाइनली मैं कुतुब मीनार पहुंच चुका हूं। अभी मैं कुतुब मीनार टिकट काउंटर के पास हूं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो चलिए पहले हम लोग टिकट लेंगे और उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। मैं आपको यहां सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूं। यहां आसपास का ये व्यू है वो कैसा है। इंडियंस के लिए एंट्री फी 40 रुपीज़ है और फॉरनर्स के लिए 600 रुपीज़ एंट्री फी है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक आने में आपको 20 रुपये का किराया लगेगा ऑटो से अगर आप आते हैं तो। और इस साइड टिकट काउंटर है और इस साइड मेन एंट्री गेट है। तो चलिए हम लोग उस साइड चलते हैं। यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट हो रही है। विदाउट आरटीपीसीआर टेस्ट आपको एंट्री नहीं मिलेगी कुतुब मीनार में। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएंगे। तो फाइनली आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया और हम लोग अभी यहाँ से एंटर कर रहे हैं। दिस इज द मेन गेट। ये रहा टोकन। '63 में देवानंद का एक गाना आया था, दिल का भंवर करे पुकार, का पूरा शूटिंग इसी के अंदर और बाहर हुआ था। 1984 से पहले इसके ऊपर चढ़ने दिया जाता था, लेकिन 1984 में एक घटना हो गई, उसके बाद से इसको परमानेंटली बंद कर दिया गया। अब ऊपर चढ़ने नहीं दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1191 से 1210 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और उनके दामाद जो उनके उत्तराधिकारी थे शमसुद्दीन इल्तुतमिज ने 1210 से 1235 में इसे पूरा करवाया था और अलाउद्दीन ने इसे कंप्लीट करवाया था 1295 से 1315 के बीच में। कुतुब मीनार की हाइट ऑलमोस्ट 72.5 मीटर है और इसमें टोटल 379 सीढ़ियां हैं। और 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पास बनी एक मस्जिद के मीनार के रूप में किया जाता था और यहाँ से अजान दी जाती थी। और ये है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण द्वार है और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और इस साइड है एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी पार्क, बहुत ही हरा भरा है। चलिए इधर आगे चल के इधर एक्सप्लोर करते हैं इधर क्या क्या है। यहाँ से आगे जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा मिलेगा और यहाँ से दाहिने जाएंगे इस साइड तो इमाम जामीन का मकबरा मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले अलाउद्दीन खिलजी के मकबरा को ढूंढते हैं किधर है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं। उस टाइम पे किसी भी इमारत को बनवाने के लिए रेड सैंडस्टोन का ही यूज किया जाता था, लाल बलुआ रंग का पत्थर। इधर है क्या, चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं। पूरा चौकोर चौकोर सा बना हुआ है। इधर एक छोटा सा गड्ढा है, इसमें पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया होगा। स्विमिंग पूल टाइप का लग रहा है, बट स्विमिंग पूल तो शायद नहीं होगा ये। और ये जो देख रहे हैं ये भूकंप में टूट गया था ये दीवार।
चलिए नीचे उतरते हैं हम लोग। इधर नीचे उतरने का तो नहीं है जगह। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, कुतुब मीनार दुनिया का सबसे बड़ा ईंट से बनी मीनार है और इसे अफगानिस्तान में स्थित एक मीनार है जिसको बोलते हैं मीनार ए जाम, उसी को देख के कुतुबुद्दीन प्रेरित होकर कुतुब मीनार का निर्माण करवाए थे। वैसे वो दुनिया में दूसरे स्थान पे है और कुतुब मीनार पहले स्थान पे है हाइट के मामले में। और हम लोग हैं अभी अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे में और ये सामने है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा। ये खिलजी का मदरसा हुआ और ये सभी हैं मदरसे वाले रूम हैं। और ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। इसका नाम सभी ने सुना होगा। इसके बायोपिक पे एक मूवी भी आया था बॉलीवुड में, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह का मूवी पद्मावत। और ये है शमशुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपना मकबरा अपने जीवन काल में ही बनवाए थे और मकबरा के निर्माण के एक साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे के ऊपर इसका मूल गुंबद था जो टूट के गिर गया, तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने इस पे दूसरा गुंबद बनवाया लेकिन वो भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया था। हम पहुंच गए इमाम जामीन के मकबरे के पास और ये है इमाम जामीन का मकबरा। यहाँ पास में एक कोई सैंडरसन का सूढ़ी घड़ी है। अब ये वही सूढ़ी घड़ी है या कुछ और है कंफर्म नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे है इमाम जामीन का मकबरा और ये है कुतुब मीनार और उसके बगल में है अलाई दरवाज़ा।